गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाउ गुड आर यू मॉर्निंग, गुड सर? मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग? फाइन सर। ओके ओके, लेट मी सी ऑल ऑफ यू प्रेजेंट इन द मीटिंग। आदित्य कुमार टू, फाइन अमन, अनन्या, अंकुर, आयुष, गौरव, गौरव कुमार, कोमल, कृतिका, निशा, प्रतीक, प्रीति, प्रिंस, प्रियांशु, पुनीत, राहुल, समीर, शौर्य, शुभम, त्रिशा, तुलिका। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन फाइन सर। हाउ आर यू सर? हाउ आर यू बस सर? मैं भी ठीक हूँ, मैं भी मजे में हूँ। आप सबको चाहता हूँ मजे में रहो। एवरीबॉडी शुड बी वेल फिट एंड फाइन। हाउ आर यू प्रीति, आयुष, शुभम, कैसे हैं आप सब लोग? फाइन। यस सर, फाइन। यस तुलिका, आप कैसी हो यस बेटा? हाउ आर यू तुलिका? फाइन सर। चलिए, वेरी गुड। आई एम शेयरिंग अगेन गुड द मॉर्निंग अटेंडेंस सर। लिंक। गुड मॉर्निंग बेटा, आई एम शेयरिंग अटेंडेंस लिंक। तो जस्ट जल्दी से अटेंडेंस लिंक फिल करो, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। एंड डू राइट डन। ओके, सपोज यू हैव फिल द अटेंडेंस, देन यू कैन राइट डन। म्यूट करो आयुष, योर माइक इज नॉट म्यूटेड, म्यूटेड। तो हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर दी पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम? जिन बच्चों ने ये स्टेटमेंट याद किया है मुझे वो बताएंगे, ठीक है ना? तो जस्ट रिवाइज करो। वेट 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 वेट, आई गिव यू ऑप्शन, बट रिवाइज कर लो पहले, फिर मैं एक एक करके नाम से पूछता हूँ। तो जल्दी से आप लोग ये ओके रिवाइज सर। कर लो, ठीक है ना? इट इज फॉर मी, मैं पूछूंगा, जिन बच्चों से वही आंसर करेंगे, ठीक है ना? तो जल्दी से इसको आप रिवाइज करो, है ना? पानी जा दीजिएगा। सर सर कंप्लीटेड। गुड। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे बच्चे, मैं मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम देता हूँ, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे और तुम लोग का रिवीजन और याद भी हो जाएगा। सर अटेंडेंस लिंक सेंड कर दीजिए। ओके, शेयरिंग द अटेंडेंस लिंक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अटेंडेंस लिंक भेज दिया हूं मैं। हाँ बेटा बोलिए। चलिए अब मैं पूछना शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग खुशीनाथ, हाउ आर यू? कंप्लीटेड पूछिए। चलिए, तो ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ।
My question is from, wait, I am seeing. चलिए बोलिए नीलेश. यस सर. बोलिए बेटा पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट बोलिए. ओके सर. पाइथागोरस थ्योरम ना. यस 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 नीलेश. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. अच्छा लगा नीलेश. सब कैमरा ऑन कीजिए. चलिए अब जो है मैंने नीलेश को पिन कर लिया है. एंड नीलेश. यस सर. कैमरा ऑफ हो गया बेटा तुम्हारा. आंख तुम्हारा इधर ही रहे स्क्रीन पे ही रहे. आई डू नॉट मूव योर आईज हियर एंड देयर. एंड नाउ द सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू. टेल मी व्हाट इज. नो नो आई कॉन्टेक्ट शुड बी देयर. आंख यहीं रखो. ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं एकदम स्क्रीन पे. चलिए बेटा स्टार्ट. फिर नीचे ऊपर सब बच्चे देख. सर कॉपी में सर लिखा था उसी से सर बताया था मैंने. चलो कोई बात नहीं है. तब तो नीलेश इज एक्सक्यूज्ड. चलो और कौन बच्चा है जो बोल लेगा. आयुष के. आयुष के पहले कौन बोला था. नाम कौन दिया था. शुभम. यस सर. चलिए शुभम आपको मौका मिलता है. ओपन योर कैमरा एंड से बोल्डली. सर पाइथागोरस थ्योरम ना. बेटा कैमरा ऑन करना होगा. यस सर. चलो लुकिंग ग्रेट. बोलो शुभम. यस सर पाइथागोरस थ्योरम. हाँ प्लीज बोलिए. आई कांटेक्ट होना चाहिए. आंख ऊपर ही होना चाहिए. आंख देखते रहना चाहिए स्क्रीन पे. आंख इधर उधर नहीं घुमाना. राइट सर. मे आई से. कैमरा पे देखो बेटा. कैमरा कैमरा द कैमरा ऑफ द मोबाइल फोन. यस हाँ ऊपर करो. हाँ ऊपर आंख दिख जाता है बेटा. हाँ बस यही रहना चाहिए. सही है. बोलो. इन राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द साइड एंड राइट एंगल स्क्वायर द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द. बस बस छोड़ दो. अब छोड़ दो आप. चलो शुभम प्रकाश के बाद और कौन है जो बोलेगा. आयुष बोलो. आयुष. हाँ जी आयुष प्लीज. इट्स योर चांस. देखता हूँ एक मिनट. आयुष तुम्हारा कैमरा बहुत ब्लर आ रहा है बेटा. थोड़ा सा पीछे का जो लाइट ऑन है ना इस वजह से तुम्हारा चेहरा उतना अच्छा नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं. लाइट थोड़ा ठीक करते. हाँ कोई बात नहीं आयुष. चलो आयुष के पहले कोई बोलना चाहता है बोल ले. यस सर. चलो जल्दी पुनीत जल्दी क्योंकि आयुष लाइन पे आ जाएगा. जल्दी से कैमरा ऑन करो और आई कॉन्टेक्ट के लिए बोलना नहीं पड़े. हाँ जी आयुष बोलो. In a right angled triangle, the sum of hypotenuse is equal to the sum of square of remaining two sides. एक चीज छूट गया बेटा. Square of hypotenuse बोलना था जो छूट गया आपसे. आप direct hypotenuse बोले. नहीं आप hypotenuse बोले. बाद वाला square का sum of square बोले हो लेकिन hypotenuse का नहीं बोले. अब कौन बोलेगा बताइए बेटा. सर आयुष. आयुष तैयार बोलिए. ऑन करो कैमरा और शुरू हो जाओ. कैमरा ऑन नहीं है. कैमरा ऑन नहीं है. पर दिख तो नहीं रहा है सर. कैमरा ऑन नहीं है तुम्हारा. ऑन किया सर. दिख नहीं रहा. ऑफ है. ऑफ है बेटा. अब सही है. चलो ऊपर. हाँ. In a right angle triangle, the hypotenuse, the sum of the square of the hypotenuse is equal to the sum of the remaining two sides. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. चलिए कोई बात नहीं है. और कौन बोलना चाहता है जल्दी बताइए. और बोलिए आफ्टर आयुष. और कोई है. नहीं है सर. हाँ समीर. बोलिए समीर. समीर ओपन योर कैमरा. समीर के बाद दूसरे को मौका मिलेगा. यस समीर रेडी. इन अ राइट एंगल एंगल द सम ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. नहीं बेटा आप लोग से गलती हो रही है. चलो मैं आपको दिखा दूं क्या. सर मैं आई सर.
एक मिनट रुक जाइए बेटा, एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि गलती कहाँ पे हो रही है आप लोग की। एक बड़ी गलती यहाँ हो रही है, देखो यहाँ जरूर अभी रुक जाओ, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ। देखो यहाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसके बाद कॉमा है, फिर लिखना है द स्क्वायर, ये जो है लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो आप लोग ये हाइपोटेन्यूस के पहले ये स्क्वायर नहीं बोल पा रहे हो, तो आपको बोलना है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। समझ में आया? इस तरह से बोलना है। यस सर। जो मिस हो जा रहा था, समझ गए? तो अब तैयार हैं आप लोग बोलने के लिए? सर मैं आई, रुक जाइए रुक जाइए, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए। शुभम कुमार सर। चलिए शुभम, आपको मौका देता हूँ, नाउ यू कैन स्टार्ट विथ, ओपन योर कैमरा। सर मे आई नेक्स्ट? रुक जाइए बेटा, शुभम के बाद बोलिए। शुभम रेडी? इन ए राइट एंगल ट्रेंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द equal to the sum of square of remaining two sides। ये बिल्कुल सही था शुभम, outstanding, very good, very very good, बधाई हो, बहुत अच्छा बोले तुम, अभी तक तो final तुम्हारा ही था, बहुत अच्छा है बेटा। Next कौन बोलना चाहता था, जल्दी बता दे। Prince। मैं आई सर, गौरव। चलिए गौरव बोलिए, गौरव मौका है, ओपन करो। In a right angle, the square of hypotenuse is equal to the square of other two sides। फिर से एक बार बोलिए गौरव। In a right angle, the square of hypotenuse is equal to the square of other two sides। आपको एक चीज से छूट गया, ट्रायंगल वर्ड छूट गया, और बाकी सब सही था। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, बाकी सब सही था। तो चलो गौरव के बाद अब कौन है जो बोलेगा? एक बार और ट्राई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मौका है, चलिए बोलिए समीर। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। वेरी गुड समीर, आउटस्टैंडिंग। एक बार बोलिए सर। और कौन बोलना चाहते हैं, नाम बताइए। आयुष। चलिए आयुष मौका है, जल्दी बोलिए। In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of the remaining two side। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, very good। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, ये जैम बोर्ड का लिंक क्यों डाले हो अभय नारायण? अभय why? सर उसका कैमरा और माइक खराब है सर, बोल भी नहीं पाता। कौन? अभय का। तो कंप्यूटर से करता है। तो क्या हुआ उससे, दिक्कत? कंप्यूटर पे करता है तो उसको दिखता है ना, जैम बोर्ड है कि उस पे कुछ लिखना पड़े या बाकी कुछ करना पड़े, इसके लिए दिया तुमने? मैं बटन दिखावनी थी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कोई और तो नहीं बचा है बोलने वाला? चलिए, तो मुझे अच्छा लगा बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया और राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट को बताया। चलिए हम लोग का कौन कौन सा एक्सरसाइज हो गया था बेटा, 14 बी हो गया था, पाइथागोरस थ्योरम हो गया था, अब हम 14 सी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि दो साइड गिवन होगा और एक एंगल गिवन होगा, हमें कंस्ट्रक्शन जो करना है इसमें क्या होगा, गिवन होगा टू साइड्स और वन एंगल। तो हम क्या करेंगे, ये जो वन एंगल है ना, ये जो भी वन एंगल है उसी के साइड को लेना है। जैसे ये एंगल Q, तो हम देखेंगे जिस साइड में Q है, हालांकि यहां दोनों में Q है, तो हम PQ या QR किसी को भी नीचे बेस बना सकते हैं, ठीक है? अगर PQ को बनाना है तो PQ को बेस बनाइए, नहीं तो QR को बनाइए। तो आप बताइए पहले क्वेश्चन में आप किसको बेस बनाना चाहोगे, PQ? सर PQ। क्यों? चलिए बेटा, तो PQ को
PQ को अगर हम बेस सर क्यू यार देखिए बेटा मैं तो PQ सुन लिया हूं तो Q को इधर लिख लेते हैं P को इधर लिख लेते हैं और 95 डिग्री कंस्ट्रक्शन से आपको जो कंस्ट्रक्शन अभी तक सिखाया गया है उस कंस्ट्रक्शन में 95 नहीं बनता तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए प्रोटेक्टर यूज करेंगे 0 10 20 90 95 डिग्री का पॉइंट लेंगे और वहां से खींच देंगे तो ये जो लाइन होगा अब ये लाइन कितना लंबा होना चाहिए QR 3 सेंटीमीटर जबकि PQ था 5 सेंटीमीटर तो यहां हम 3 सेंटीमीटर पे आर्क कट कर देंगे जो 3 सेंटीमीटर के बराबर पे हो और फिर हम यहां इसको इस लाइन को यहां ज्वाइन कर देंगे तो PQR इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल तो मुझे लगता है कि आप सबको ये पता चला जल्दी से अपने कॉपी पे बनाओ और दिखाओ जल्दी से बनाइए और दिखाइए बेटा डोंट मिस टू शो जल्दी कीजिए तो सर क्या बनाना है पहला क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 1 का कंस्ट्रक्शन बनाना है बेटा सर कौन से एक्सरसाइज से दिख रहा है आपको ये वाला एक्सरसाइज 14C का यस सर वही yes, बनाना सर. है बनाइए सर कंप्लीटेड अच्छा सर हो गया देखिए बेटा पहले से कंप्लीट किया हुआ होगा तो वो नहीं चलेगा मैं उसके पेज को पलटवाऊंगा सर अभी कंप्लीट किया है अभी कंप्लीट किया मतलब बहुत अच्छा काम किया यस सर थोड़ा सा और मौका दूंगा मैं क्योंकि बहुत जल्दी हुआ है इसलिए क्योंकि जनरली थोड़ा टाइम लगना चाहिए था कंप्लीटेड पूरा एंगल बना लिया आपने प्रोटेक्टर से यस सर तब तो आप लोग कमाल काम किया वेरी गुड सर कंप्लीटेड अच्छी बात कैमरा ऑन करे रुक जाइए सर कैमरा ऑन करे देख लेता हूं मैं खुद बोल दूंगा जिनको कैमरा ऑन करने की बात कही जाएगी चलिए किनका कंप्लीट है आयुष राज पहले तुम अपना मेरा समीर चलो समीर दिखाओ ओके सर सर देखिए अच्छा एक काम करो ऐसा करो सब लोग अपना अपना कैमरा जो है ना वो ऑन कर लो जो जो कैमरा जिसको दिक्कत हो रही है जो मैं देख ले रहा हूँ एक एक करके तो मैं बता दूंगा ठीक है अपन हार्ड मेरा देख प्रीति का दिख रहा है मुझे प्रीति तुम्हारा एंगल 95 डिग्री जो है ना वो पता नहीं क्यों मुझे छोटा लग रहा है 90 से 95 थोड़ा बड़ा होना चाहिए तुम्हारा 90 से छोटा लग रहा है प्रीति थोड़ा ध्यान दो और ओके सर अमन जो है अमन का ठीक है लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है समीर भी 90 वाला ही किया है 95 का नहीं किया है इसका अमन का ठीक लग रहा है सर मेरा प्रिंस का एक मिनट रुक जाओ मैं जरा समीर का देखना चाहूंगा समीर को पिन करके मैं समीर तुम चलो मेजर करो बेटा मेजर करो तो और एक सर देखिए 95 बेटा नीचे का जो लाइन है ना और ऊपर का जो लाइन है नीचे वाला जो पॉइंट है एकदम एक जैसा होना चाहिए कोई बात नहीं है तुम्हारा सही हो सकता है आगे बढ़ते हैं एक दो एंगल कम कोई बात नहीं है थोड़ा सा चल रहा है चलेगा बट यू ऑल हैव ट्राइड वेरी वेल 7 भी तुम लोग कमाल के बच्चे हो भाई तुम लोग कमाल काम करते हो मतलब हैट्स ऑफ मुझे तुम्हारे क्लास जैसा ईमानदार क्लास नहीं दिखता है कोई गजब काम करते हो सुपर बेटा बहुत अच्छा किन किन बच्चों को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है इसमें इस क्लास सर मुझे सर मुझे तो मुझसे मुझे तो मेरे से जो है ना स्पेशल भी तुम बात कर सकते हो और बात करके मेरे बारे में से पूछ सकते हो तुम मैथ्स सर मुझे साइंस अच्छा लगता है बहुत अच्छा है बेटा तो मुझसे पूछ सकते हो कि कैसे हम और ज्यादा उसको करें ठीक है ना मैं तुमको गाइड करूंगा ठीक है कि कैसे आप
बड़े क्लास में जाने के पहले अभी से अगर थोड़ा मेहनत करो तो आप कैसे और ज्यादा अच्छा उसमें कर सकते हो। तो दिस इज रियली फैंटास्टिक सर। मार्च के बाद सर आएंगे। अब तो स्कूल तो बात की बात है बट ठीक है। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। चलिए पहला क्वेश्चन तो आप सबने अच्छे से बनाया और अब आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको बनाइए और सॉल्व कीजिए इसको पूरा का पूरा। कंस्ट्रक्ट भी करना है ट्रायंगल जिसमें दो साइड दिया हुआ है, एक एंगल बी दिया हुआ है और देखना है कि आप लोग इसको मेजर करके वैल्यू क्या बताते हो। सर क्वेश्चन नंबर 5 ना सर। जी जी जल्दी बनाइए। जल्दी बनाइए और बताइए। सर देखिए सर पुनीत। एक मिनट बेटा मैं मौका सबको दूंगा तो थोड़ा सा रुक जाओ, बाकी को बनाने दो क्योंकि सारे बच्चे बनाएंगे तो आप अपना बनाए हो उसको थोड़ा फाइंड कर लो, नाम लिख लो, एंगल फाइंड कर लो, वो सब कुछ लिख लो अच्छे से क्योंकि जब देखो तो मुझे दिखना चाहिए। अल्टर नहीं होना चाहिए, एक लाइन के ऊपर दो तीन लाइन नहीं खींच रहा होना चाहिए। सर कंप्लीटेड। बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा रुको मैं भी चाहता हूँ मौका देना आप लोग को। ठीक है अच्छी बात है, थोड़ा सा रुक जाओ। सर कंप्लीटेड। वेरी गुड, देख लेता हूँ मैं आप लोगों का। यस सर कंप्लीट। हाँ जी रुक सर देखिए रुक जाइए सर देखिए कैमरा जब मैं बोलूँ तभी ऑन करना। दो बच्चे और, अच्छा चलो इतने सारे बच्चे आ गए हैं तो एक एक करके मैं देख लेता हूँ। पुनीत का देख करके अच्छा लग रहा है बट इसका जरा एक बार एक एक करके मैं चेक कर लेता हूँ। सर मेरा 60 को लिटल वेरी गुड सही है सर। मेरा देख रहा हूँ बेटा एक मिनट, पुनीत का देख लिया मैं, प्रीति का देख रहा हूँ मैं, प्रीति का भी बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही है। कोमल का मैं देख रहा हूँ, रुक जा एक एक करके सर, मैं सब का देख रहा हूँ, रुक जाए बेटा। कोमल का भी सही है, एक मिनट बेटा एक एक करके सब का देख रहा हूँ मैं, तुलिका का देख रहा हूँ मैं, अब
तुलिका का भी बिल्कुल सही है, वाह बेटा वेरी गुड। तुलिका के बाद मेरा मैं देखिए नीलेश का मेरा देख रहा हूँ। नीलेश एक मिनट, जिसका जिसका दिख रहा है बेटा मैं देख रहा हूँ, जिसका जिसका नाम बोल दिया वो कैमरा ऑफ कर ले, ठीक है। इसका भी बिल्कुल सही है, नीलेश का भी। उसके बाद प्रीति का देख चुका हूँ, पुनीत का देख चुका हूँ, समीर का देख रहा हूँ, मैं तुलिका का भी देख चुका हूँ। ये 60 डिग्री बिल्कुल सही है, इसका भी सही है, समीर का भी सही है। सर मेरा शुभम का देख लेता हूँ, जिसका जिसका देख लिया उस अपना मेरा कैमरा ऑफ कर दो बेटा। शुभम का देख रहा हूँ मैं, क्लियर नहीं दिख रहा है शुभम, तुम्हारा क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा। देख रहे हैं आयुष चेहरा मत दिखाओ, अमन का देख लिया हूँ मैं, अमन का अच्छा है, सही है। और प्रीति का, तुलिका का, नीलेश का, आयुष का आयुष का भी देख चुका हूँ, आयुष का ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा था, ब्लर है थोड़ा। समीर का हो गया है, देख लिया। प्रिंस व्हाई यू आर प्रेजेंटिंग। शुभम का भी सही है, प्रिंस, यस सर, प्रिंस का भी सही है। हेलो हाँ प्रिंस बंद करो बेटा प्रेजेंटेशन, सही है तुम्हारा, आगे बढ़ो। अब बताओ और किसका किसका बच गया है, जो जो बच्चा अभी नहीं दिखाया है वो बताए। तेरा फाइल उसका देख है। हाँ हाँ आयुष का देखा मैं, अच्छा था, सही था। चलो अब मैं फिर से क्वेश्चन देता हूँ, और इस बार केवल टॉप 3 को देखूंगा, मतलब क्वेश्चन देने के बाद सीधे मैं आ जाऊंगा इस स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो तैयार हो जाओ, मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, सब लोग रेडी हो अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर के। सर देखता हूँ हु इज गोइंग टू सॉल्व द फर्स् ट, हु विल से कि मैं पहला हूँ। तैयार हैं आप लोग? यस बुक है सबके पास, ओपन है बुक? सर यस तो चलिए आपके पास क्वेश्चन में देता हूँ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ कीजिए। कैमरा ऑन करके अगर ड्रॉ करोगे तो मजा आ जाएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर सर 4 ड्रॉ क्वेश्चन नंबर करिए, कौन सा? फोर। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करके बनाओगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। सर हल्का सा, कैमरा ऑन करके सर तो बनाएंगे कैसे? अरे बेटा कैमरा एक हाथ से ऊपर दिखा दोगे ना, और थोड़ा सा जितना दिखा सकते हो जो लिमिटेशन के साथ कर सकते हो करो। वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड समीर, आप लोग कमाल करते हो बच्चे, आप लोग बहुत अच्छे हो। जो कैमरा ऑन किया है उसकी कॉपी देखी जाएगी, आयुष भी कर रहे हैं, गुड बॉय। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए, अमन इज डूइंग वेरी गुड, शुभम कुमार, तुलिका इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड बेटा, प्रीति वॉज ऑल्सो डूइंग, पुनीत भी कर रहे थे देखा मैंने। सर कंप्लीटेड सर, अरे वाह, कौन है जो कंप्लीट बोल रहे हैं, नाम बताओ। अमन राज। अमन तुम्हारा देखा नहीं था मैं, कैमरा ऑन किए हुए थे तुम, एक मिनट देख लेता हूँ मैं तुम्हारा। तो अमन इस अपने जरा कैमरा को थोड़ा सा कॉपी से दूर करो, मैं कॉपी पूरा देखना चाहता हूँ। अब जो है राइट साइड, अपने कॉपी को राइट साइड वाले पेज को दिखाओ, प्लेन है ठीक है, और लेफ्ट में जाओ और एक पेज पलट लो लेफ्ट से, मतलब बैक जाओ। क्या बात है, तो बिल्कुल ईमानदारी से अमन ने किया है, अमन इज डूइंग हिज जॉब सो इन अ वेरी सुपर्ब मैनर, सो आई एम गिविंग अमन अ वेरी गुड। थैंक यू सर, मेरा भी कंप्लीट हो गया हाँ बेटा एक एक करके मैं सर, देख लेता मेरा हूँ, भी सर कंप्लीट। रुक जाइए मैं सबको दे रहा हूँ, पर पहले रुक जाइए एक मिनट, पहले मैं एक बार देख लेता हूँ, नीलेश का भी देख लेता हूँ, जो जो बच्चों ने दिखाया उन सबका देख लेता हूँ। नीलेश ने भी सही किया है, गुड बॉय। नीलेश के बाद और कौन है, क्यों प्रेजेंट, हाँ और कौन है बताओ।
सर। हाँ ऑन कीजिए कैमरा, प्रीतिका है देखो प्रीतिका। हाँ सर। सही है बेटा, वेरी गुड। लेकिन तुम डायरेक्ट 75 ऐसे कैसे बनाई बेटा? तुमको 60 और 90 के बीच से आर्क लेना चाहिए। डायरेक्ट 75 कैसे बन गया? 90 का तो आर्क दिख नहीं रहा है तुम्हारा। प्रीति कैसे बनाई बेटा? क्योंकि 90 जब तक नहीं बनेगा तब तक 75 कैसे बनेगा? चलिए हाँ बोलो समीर। और बताओ कौन है? समीर सर। आयुष समीर का देख लेता हूँ मैं। मुझे ये अभी भी पता नहीं चल रहा है तुम्हारा 75 डिग्री बच्चों की गलती है। जो पहले सबसे पहले दिखाया था वो नाम क्या है उसका? सर अमन राज। अमन तुम दिखाओ तो अपनी कॉपी जरा। सर मेरा देखिए। रुक जाइए। अमन में भी 75 प्रोटेक्टर से बना दिया है। नहीं प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है बेटा। सर क्रॉस कर दिया। कंस्ट्रक्शन से बना देख लेता हूँ बेटा। पुनीत का देख ले रहा हूँ। तुलिका का भी देख रहा हूँ। रुक जाइए। हाँ ये बहुत अच्छा है तुलिका, यू आर आउटस्टैंडिंग। बहुत सही काम किया तुलिका का, अभी तक सबसे सही है। पुनीत का मैं देख रहा हूँ। रुक जाओ, पुनीत का देख रहा हूँ मैं। पुनीत का है। पुनीत ने भी अच्छा बनाया है और यहाँ से आर्क लिया है। सही है बेटा, वेरी गुड। पुनीत भी बहुत अच्छा किया है। और शुभम का मैं देख रहा हूँ। जब तुम लोग मौका नहीं चूकते हो, थोड़ा सा पता चलता है सब बच्चे दौड़ पड़ते हो। एकदम गजब का एनर्जी है इस ठंडी में तुम लोगों के पास। कमाल करते हो, सुपर शुभम, सब लोग सही हो। तो चलो मैं जरा सबसे पहले तो तुलिका का, मुझे आज का सबसे बेस्ट रहा। बहुत ही अच्छा उसने बनाया, कोई बात नहीं है। और अमन ने भी अच्छा किया था तो। लेकिन हाँ ये है कि जो सही है, जो सबसे सही है वही सही है। तो पहले मैं तो ये बता दूं कि 75 डिग्री एंगल बनता कैसे है। तैयार हैं आप लोग? देखिए सबसे पहले ये लाइन ले लेंगे हम। पहला आर्क बनाएंगे और ये जो यहां से हम जो पहला कट करेंगे ना बेटा, ये 60 का कट होगा। दूसरा कट होगा 120 का, ये है 60 का। और 60 और 120 दोनों से जो ये कट करेंगे तो ये बनेगा हमारा 90 का। 90 और 60 इन दोनों से जो हम कट करेंगे, मतलब एक हो गया 90 का ये आर्क, एक हो गया 60 का ये आर्क। इससे एक ऊपर आर्क खींचेंगे और एक इससे आर्क खींचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। तो 75 डिग्री ऐसे बनता है। बच्चों समझ में आया? यस सर। यस सर। और बहुत इजी एक फॉर्मूला है बेटा, मैं आपको बता दूं। जैसे 60 प्लस 90, 60 और 90 के आर्क से हम बना रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा आप बताओ? 75। अगर मैं 90 और 120 से बनाता तो 90 और 120 से क्या बनता बताओ जल्दी से, कितने का बनता? 105। वेरी गुड। 105। तो मतलब ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ। यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर 90 का और 0 का इन दोनों को अगर हम मिला के बनाते तो कितने का बनता? 45। कौन बोला सबसे पहले 45? सबसे पहला 45 कौन बोला? आयुष। तुम भी बहुत अच्छा काम किया आयुष। तो आज जो है ना, एक तो मुझे तुलिका का काम बहुत अच्छा लगा और आयुष ने लास्ट में ये जो बोला ना वो भी मुझे अच्छा लगा। तो ये दोनों कलेक्टिवली आज जो है वेरी गुड क्वालिफाई होता है इनका। बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। और जिसको वेरी गुड नहीं मिला है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते, बस आज उनको नहीं मिला है। बट डिजर्व तो आपका पूरा क्लास करता है। आप क्लास में बेस्ट क्लास में तो इसको कहता हूँ। समझ गए? चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन मेरे मन का है और इसमें देखते हैं कि आप लोग कैसे बनाते हो कंस्ट्रक्शन। क्योंकि अभी तक जो भी था बुक का था, तो कोई बच्चा ये कह सकता है कि हमने पहले बना के रखा हुआ था, देख के उतार दिए। तो अब आपको बनाना है ट्रायंगल PQR। जल्दी से अपने कॉपी में आप बनाओगे इसको। एंगल Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 45 डिग्री।
पी क्यू है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर है 7 सेंटीमीटर। बनाइए, और दिखाइए कौन बच्चा है जो सबसे पहले बनाएगा उसको जरूर मिलेगा। वेरी गुड, बनाइए बेटा। Completed. जल्दी से दिखाइए किनका कंप्लीट हुआ, मैं देखना चाहता हूँ उनका। ओपन योर कैमरा। यस सर। समीर कमाल करेगा बच्चा लग रहा है, देख ले हम 45 डिग्री इसने बनाया, बिल्कुल सही बनाया ट्रायंगल को। जल्दी लास्ट वाला लाइन ज्वाइन करो, अभी पी और आर को मिलाया नहीं हो तुम, जल्दी ज्वाइन करो। और कौन बच्चा है जल्दी से बताओ, समीर नहीं तो बना दिया समीर। वेरी गुड समीर, कंप्लीटेड सर, कंप्लीटेड समीर का तो कंप्लीट हो गया। और देखना है समीर के अलावा अब कौन सेकंड में कौन है, टॉप थ्री में देखते हैं सर। मी तुलिका। तुलिका दिखाओ बेटा, ऑन करो कैमरा। वेरी गुड वेरी गुड। लाइट बहुत ज्यादा है, दिख नहीं रहा है बेटा, एक मिनट। हाँ तुलिका बहुत अच्छा है तुम्हारा भी, सुपर 60। ये तुम्हारा पूरा क्लीन नहीं दिख रहा है बेटा, इसमें क्यों लाइट कुछ ज्यादा आ रहा है सर? मेरा देखिए सर, पुनीत। रुक जाइए बेटा, तुलिका सही है तुम्हारा भी, 60 के नीचे इसलिए बिल्कुल करेक्ट है। हाँ पुनीत का दिखाओ, देखता हूँ पुनीत का। वाह वेरी गुड वेरी गुड, पुनीत का भी सुपर बिल्कुल सही है। वेरी गुड पुनीत, तुमने 90 के बाद टर्न मार के 45 लिया है, अच्छा लगा मुझे। चलो वेरी गुड, तो पहले टॉप थ्री में है हमारे पास, पहला नाम था समीर, दूसरा तुलिका, तीसरा पुनीत। तो पहले इनको जो है हम लोग सर आयुष बना लिया। कोई बात नहीं है बेटा, आयुष अच्छी बात है। एक मिनट पहले रुक जाओ, पहला नाम आता है समीर का, सबसे पहले आपने बनाया है। दूसरा है तुलिका, she is very good, and third नाम किसका है जी? चल पुनीत। पुनीत, this is good, top three। तो ये हमारे fourth बनाया सर हमने। नाम क्या है आपका? आयुष। कोई बात नहीं आयुष, तुम तो हमेशा बनाते हो, तुम तो हमेशा आगे रहते हो। लेकिन हाँ अभी के लिए ये तीन नाम है, next time में तुम्हारा भी देखा जाएगा। पहले मैं मैसेज में लिंक दे दूं, अटेंडेंस लिंक, क्योंकि बच्चों का अटेंडेंस लिंक होना चाहिए। और